आखिर क्या चाहते हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद? मोदी को जिसने हराना है वह करेगा मेरा समर्थन, ये कहना है चंद्रशेखर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने दिल्ली में जंतर मंतर पर शुक्रवार को एक बड़ी रैली का आयोजन किया। उन्होंने जवाब दिया, चुनाव के दिन हैं और देश की जनता परिवर्तन चाहती है, रैली का भी यही मकसद है। हमारी कोशिश है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता देश भर में घर घर पहुंच जाएं और भाजपा को हराने के लिए 2 महीने तक बिना थके और बिना रुके काम करें। जब उनसे पूछा गया कि आपने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या ये रैली शक्ति प्रदर्शन था, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, अभी तो साथियों में जोश भरने के लिए जंतर मंतर पर रैली की गई है, शक्ति प्रदर्शन तो बनारस में दिखाएंगे। भारत देश बहुजनों का है, 85% लोग काम कर रहे हैं और 15% लोग राज करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बनारस में बहुजन राज करें, वहां बड़ी तादाद में बहुजन है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को यहां से हराना है, इसलिए आप यहां पर आएं। जब उनसे पूछा गया कि आप बहुजन की बात कर रहे हैं, क्या सर्वजन को साथ लिए बगैर जीत पाएंगे, तो उन्होंने फिर दोबारा जवाब दिया, देखिए वह जो लोग संविधान के समर्थन में हैं वो अम्बेडकर के साथ खड़े हैं, वह लोग बहुजन में आते हैं। जब आदमी मानवता की बात करता है तब उनकी कोई जाति नहीं रहती, उसका कोई धर्म नहीं रहता, लेकिन जब आदमी छुआछूत और गैर बराबरी, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा की बात करता है तो आदमी में उत्पीड़न की बात करता है, तब ये पीड़ा खड़ी होती है। जो लोग चाहते हैं कि मोदी जैसे तानाशाह से मुक्ति मिले, इसमें मेरी मदद करें। हुंकार रैली में जब उनसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ है, ऐसी स्थिति में भीम आर्मी चाहत कैसे पूरी हो पाएगी, तब उन्होंने जवाब दिया, भीम आर्मी बहुजनों का राज चाहती है, वह जरूर संभव होगा। भाजपा को हराने के लिए भीम आर्मी देश में निकल चुकी है, नौजवान देश की ताकत है। मोदी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, 2 करोड़ रोजगार का अता पता नहीं है, सभी जातियों की नौजवान बेरोजगार से पीड़ित हैं और यह युवा भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए लोग मुझे समर्थन करेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।